सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को टेक्नोलॉजी से जुड़ी वीडियोस को देखने के लिए। सो हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। अगर आप सोच रहे हैं कीपैड मोबाइल खरीदने को और आपका जो बजट है वो है 1000 से 1100 तक की, तो आज इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि गाइस आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेस्ट कीपैड मोबाइल के बारे में। दोस्तों इस मोबाइल का नाम है नावा A5। ये मोबाइल मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया मोबाइल है अगर आपका जो बजट है वो है 1100 के आसपास का। दोस्तों इस मोबाइल को मैंने शॉप से परचेस किया था तो मुझे पड़ा था 1050 का, लेकिन दोस्तों अगर आप ऑनलाइन परचेस करेंगे तो इसका जो प्राइस है वो है 980 रुपये। दोस्तों आइए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और आइए जानते हैं कि ये मोबाइल सबसे बेस्ट क्यों है। दोस्तों आइए जानते हैं इसके फीचर्स के बारे में। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है साउंड लीकेज, यानी कि मान लीजिए आप किसी से फ़ोन पर बात करते हैं तो बाकी जो स्मार्टफोन या फिर जो भी फ़ोन होते हैं उसमें क्या होता है कि जो बाहर की नॉइस होती है वो बहुत ही ज़्यादा आती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिया गया 3 डेज बैटरी बैकअप, यानी कि अगर आप इस मोबाइल की बैटरी को एक बार फोन चार्ज कर लेते हैं तो इसकी जो बैटरी है वो 3 दिन तक आराम से चल जाएगी। इसके बाद इसमें ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन है, और इसके बाद इसमें FM रेडियो भी है, और आप इसमें मेमोरी भी डाल सकते हैं। इसके साथ साथ आप इसमें टाइपिंग कर सकते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, तमिल, तेलुगू, कनाडा, पंजाबी और गुजराती। इसके साथ साथ इसमें सुपर बैटरी मोड भी है, जैसे कि स्मार्टफोन में होता है बैटरी सेवर, तो सेम ऐसे ही इसमें भी है। अगर आप इसे ऑन कर देंगे तो आपकी जो बैटरी है वो और भी ज़्यादा चलेगी। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ स्ट्रॉन्ग बॉडी जो कि सब में होता ही मेरे ख्याल से, और उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ टॉर्च जो कि सब में नॉर्मल है। इसके बाद बात करते हैं इस मोबाइल के सबसे खास फीचर के बारे में। तो ये देखिए 1 ईयर रिप्लेसमेंट वारंटी, जो कि बहुत ही कम मोबाइल में होती है, यानी कि गाइस 1 ईयर के अंदर अगर आपको इस मोबाइल में कोई भी दिक्कत आती है तो इस मोबाइल को रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो गाइस अब इस मोबाइल को ओपन करते हैं। इस मोबाइल के साथ मुझे मिला था ये चार्जर। गाइस चार्जर जो है वो बहुत ही बढ़िया चार्जर है, और आपका जो मोबाइल है वो इससे बहुत ही जल्दी चार्ज हो जाएगा। गाइस अब देखते हैं मोबाइल को। मैंने मोबाइल को ओपन कर दिया है, यानी कि डिब्बे से उसको ओपन कर दिया, ना कि मोबाइल को। ये देखिए दोस्तों डिस्प्ले इसका बहुत ही बढ़िया है, और ये देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है, यानी कि इसका जो लुक है वो बहुत ही बढ़िया है। इसका जो बैक से लुक है वो भी बहुत ही बढ़िया है, और इसमें जो स्पीकर दिया हुआ है वो बहुत ही बड़ा दिया हुआ है, यानी कि अगर आप मारे जो सॉन्ग सुनते हैं तो उसमें आवाज़ बहुत ही बढ़िया आती है। इसके साथ साथ इसमें कैमरा भी दिया हुआ है। अगर आप सोच रहे इससे बहुत ही बढ़िया फोटो आएंगी, तो ऐसा नहीं है, जैसा कि नॉर्मल कीपैड मोबाइल में होता है वैसा ही कैमरा है। अब मैं आपको शॉर्ट में इस मोबाइल के फीचर बता देता हूँ। तो इस मोबाइल की जो बैटरी है वो है 1000 mAh, जो कि 3 दिन आराम से चल जाएगी। इसके साथ साथ आप इस मोबाइल में बिना एयरफोन के FM रेडियो, म्यूजिक सबको सुन सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कीपैड मोबाइल में ऐसा होता है कि जब आप एयरफोन लगाएंगे उसके बाद ही FM रेडियो ऑन होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसका कैमरा 0.3 MP का है, और इसमें 24 GB रैम है, और आप इस मोबाइल में 32 GB तक की मेमोरी डाल सकते हैं, यानी कि ये 32 GB तक की मेमोरी को सपोर्ट करता है। इसके साथ साथ इसका जो डिस्प्ले है वो है 2.4 इंच का, विद 240x307 पिक्सल के साथ, और गाइस इसमें डुअल सिम का भी ऑप्शन है। इसके बाद गाइस इसकी सबसे खास बात है जो कि मुझे बहुत ही बढ़िया लगी, वो है इसका वेट। इसका जो वेट है वो सिर्फ 90 ग्राम है, यानी कि ये फोन बहुत ही हल्का फोन है। यानी कि गाइस ओवरऑल ये फोन बहुत ही बढ़िया फोन है। अगर आपका जो बजट है वो 1100 के आसपास का है तो आप ये फोन बिना किसी टेंशन के खरीद सकते हैं। ये फोन बहुत ही बढ़िया फोन है। तो गाइस कैसी लगी हमारी वीडियो ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों अगर आप चाहें तो आप हम इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।